दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपकी बाइक के लिए। ये है दोस्तों स्प्लेंडर बाइक VS6। और दोस्तों इनके जितने भी ये सॉकेट होते हैं इन्हें साफ़ करना ज़रूरी होता है बाइक की स्टार्टिंग के लिए। अगर आप इन्हें सही तरीके से साफ़ नहीं करोगे तो दोस्तों बाइक में करंट की प्रॉब्लम बन जाएगी, जिससे दोस्तों आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो किस तरीके से साफ़ कर रहे हैं आप लोग देख लीजिए। तो हम बताएंगे दोस्तों इन्हें किस तरीके से साफ़ करना है, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक एक करके दोस्तों इन सॉकेट को निकाल लीजिए आप लोग। जितने भी दोस्तों वायर की सॉकेट हैं इनको सबको दोस्तों निकाल लो एक एक करके। और निकालने के बाद दोस्तों सबसे पहले इन्हें साफ़ करें। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें निकालते हैं, फिर आपको बताएं किस तरीके से साफ़ करना है। तो दोस्तों हमारे जितने भी सॉकेट थे वो निकल चुके हैं, अब आपको बताएं किस तरीके से आपको साफ़ करना है। दोस्तों सॉकेटों की जो पिनें होती हैं इनमें दोस्तों जंग आने लगती है, उसकी वजह से करंट है शॉर्ट होने लगता है, दोस्तों स्टार्टिंग बाइक की लेट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं किस तरीके से आपको साफ़ करना है। दोस्तों आपको लेना है ये कोलगेट वाला ब्रश। दोस्तों ये कोलगेट में काम आता है और लास्ट में दोस्तों इन तारों को साफ़ करने में बहुत काम आता है। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से आपको साफ़ करना है। आपको दोस्तों एक सॉकेट लेना है और इस तरीके से सॉकेट में इस तरीके से साफ़ करें, जितने भी दोस्तों अंदर की जो जंक है वो सारी निकल जाएगी। और उसके बाद दोस्तों इन सॉकेटों में थोड़ा थोड़ा दोस्तों ग्रीस लगा दें। ग्रीस लगाने से ये होगा दोस्तों करंट शॉर्ट नहीं होगा और बाइक की स्टार्टिंग अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जितने भी सॉकेट हैं उन्हें साफ कर दें। तो दोस्तों आप लोग जितने भी बाइक के सॉकेट हैं इस तरीके से साफ करते रहें। साफ करने के बाद दोस्तों जो सॉकेट हैं इस तरीके से दोस्तों बाद में कपड़े से क्लीन कर दें। दोस्तों अगर आप बाइक की सर्विस करते हो या आप मैकेनिक हो तो इस तरीके से दोस्तों इन सॉकेटों को साफ करना जरूरी होता है, इससे दोस्तों बाइक की स्टार्टिंग अच्छी हो जाती है, दोस्तों बाइक में कभी करंट की प्रॉब्लम नहीं बनती है। तो इस तरीके से जितने भी दोस्तों सॉकेट हैं सभी सॉकेटों को आप लोग साफ कर लें। तो दोस्तों चलिए हम सभी पहले सॉकेटों को साफ कर लेते हैं, फिर आपको बताएं किस तरीके से आपको ग्रीस लगाना है। दोस्तों वायरिंग के जितने भी सॉकेट थे वो साफ हो चुके हैं, अब दोस्तों आप लोग इसमें ग्रीस लगा दें। तो ग्रीस कैसे लगाते हैं चलिए आपको बताते हैं। आप थोड़ा ग्रीस लें और जितने भी सॉकेट हैं सॉकेटों की दोस्तों पिनों पे लगा दें इस तरीके से। दोस्तों ग्रीस लगाने से क्या होता है, बाइक का करंट है, करंट की सप्लाई दोस्तों बढ़ जाती है और बाइक में कभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं बनती है। तो आप लोग इस तरीके से दोस्तों ग्रीस लगा दें, बाइक के जितने भी सॉकेट हैं सारे सॉकेटों पे दोस्तों ग्रीस लगा दें। तो जितने भी सॉकेट हैं उन पर ग्रीस लग चुके हैं, अब आप लोग जितने भी सॉकेट हैं वो लगा दें। दोस्तों ये जितने भी सॉकेट थे उनमें ग्रीस लग चुका है, अब आपको उसी प्रकार लगाना है जैसे आपने निकाले थे, जो कलर है उसी में लगाना है आपको। जो कलर का दोस्तों सॉकेट है उसी कलर में लगाएं आप लोग। जैसे दोस्तों ये ब्राउन कलर का सॉकेट है तो आपको ये ब्राउन कलर का दूसरा सॉकेट मिल जाएगा, इस तरीके से लगा दें। जो कलर का दोस्तों सॉकेट है उसी कलर में लगाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम एंड करते हैं, छोटी सी जानकारी है पर दोस्तों फ़ायदा बहुत बड़ा होता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि ऐसी जानकारी दोस्तों हर किसी को मिल सके। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।